नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आप लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई जानकारी। दोस्तों इस वीडियो बात करेंगे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में जो नई भर्ती है उसके बारे में। इसके लिए जो पूरी प्रोसेस वो तैयार हो चुकी है और जल्दी इसकी जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बताएंगे कितनी कितनी पोस्ट हैं और कौन कौन सी पोस्ट के लिए भर्ती होने जा रही है, कौन सी एजेंसी भर्ती परीक्षा करवाएगी और जो सिलेबस एग्जाम का पैटर्न, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहे। बात करें अगर हाउसिंग बोर्ड में तो DIPR राजस्थान का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि राजस्थान आवासन मंडल में 311 पदों पर होगी भर्ती। भारत सरकार की संस्था CDAC करवाएगी भर्ती परीक्षा। पूर्ण पारदर्शी तरीके से होगी भर्ती। विस्तृत विज्ञप्ति जल्द समाचारों में होगी प्रकाशित। तो भर्ती एजेंसी जो है वो CDAC है, वो इसका एग्ज़ाम करवाएगी। बात करें अगर डिटेल से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राजस्थान आवासन मंडल है इसमें 311 पदों पर ही भर्ती होगी। ठीक है, तो आज की न्यूज़ जो है ये आज की डेट की है 8 जुलाई की। प्रदेश के युवाओं के लिए राजस्थान आवासन मंडल में नौकरी के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। मंडल विभिन्न संवर्गों को 311 पदों के लिए भर्ती निकालेगा। ठीक है, भर्ती एजेंसी जो है भारत सरकार की अर्ध सरकारी सॉफ्टवेयर कंपनी जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC है वो इसका एग्जाम करवाएगी। ठीक है, ये इंडियन नेवी और एयरफोर्स की भर्ती परीक्षाओं का संचालन पहले से करवा रही है। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी और कितने कितने पद हैं उनके, यहाँ पे देख सकते हैं आप। 3 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अरोड़ा ने बताया कि 3 घंटे में होने वाले ऑनलाइन परीक्षा में 150% पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें 60 तो सामान्य ज्ञान के रहेंगे और 90 क्वेश्चन रहेंगे परीक्षा विशेष से। मतलब जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए जो अलग से 90 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड जो है इसके अनुसार निर्धारित सिलेबस मतलब तैयार किया जाएगा, पात्रता तैयार की जाएगी। और इसमें जो टोटल पोस्ट रहने वाली हैं वो बताई, प्रोग्रामर पद के लिए 1 पोस्ट है, परियोजना अभियंता जो वरिष्ठ सिविल 48 है, नगर नियोजन सहायक या वास्तुविद सहायक 4 राजपत्रित पदों के लिए RPC भर्ती करवाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक प्रोग्रामर L10 की नौकरी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो सूचना सहायक है, और अब जो आयोजना अभियंता कनिष्ठ जो है परियोजना अभियंता कनिष्ठ सिविल के 100 पोस्ट हैं, परियोजना अभियंता कनिष्ठ विद्युत के 11, वरिष्ठ प्रारूपकार के 4 हैं, कनिष्ठ प्रारूपकार के 10 हैं, विधि सहायक जो है कनिष्ठ विधि अधिकारी जो होता है 9 पोस्ट, कनिष्ठ लेखाकार के 50 और कनिष्ठ सहायक के 50। इस प्रकार ये पदों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, इन्होंने बताया कि उल्लेखनीय कि मंडल ने 258 अराजपत्रित पदों के लिए राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड और जो अपने MNIT है सहित अन्य संस्थाओं को भी भर्ती की कार्रवाई के लिए निवेदन किया था, लेकिन सभी ने अत्यधिक व्यस्तता के चलते भर्ती करने में असमर्थता जाहिर की थी, इसलिए जो ये भर्ती थी वो लेट हो रही थी। और अब इसके लिए जो CDAC संस्था है उसको मतलब हायर कर लिया गया है और वही इसकी एग्जाम करवाएगी और उसी के अकॉर्डिंग इसका एग्जाम होगा। तो ये आपके लिए अच्छी खुशखबरी है, जो विद्यार्थी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में नौकरी का सपना देख रहे थे उनके लिए अच्छी बहुत बड़ा मौका है और बहुत अच्छी खुशखबरी है। ठीक है, यहाँ पर पूरी डिटेल दे रखी है, जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा भर्ती का और जैसे इसका विस्तृत सिलेबस आएगा वो भी हम सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।